आरुषि हेमराज मर्डर केस में एक बार फिर से एक नया मोड़ आ गया। सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद भी तलवार दंपति के जलवायु विहार फ्लैट में सन्नाटा पसरा हुआ है। जायजा लिया इस फैसले के बाद हमारे संवाददाता बैद्यनाथ झा ने। नोएडा के जलवायु विहार का ये वही L32 मकान है जहां पर आज से करीब 9 साल पहले एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, आरुषि हेमराज हत्याकांड। आज इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए तलवार दंपति जिन पर जो मर्डर हुआ था उसके जो सबूत थे उसको जो हटा जो मिटाने के आरोप थे उस मामले में बरी कर दिया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उसी को तलवार दंपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उस पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं तलवार दंपति को राहत देते हुए कहा है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो तलवार दंपति को दिया जा रहा है और सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं वो इतने पुख्ता नहीं है और इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। फिलहाल इस मकान की बात करें तो ये बंद पड़े हुए हैं क्योंकि पूरा मामला जो है सीबीआई के अंडर है, छानबीन चल रही है और इसी को देखते हुए ये मकान उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सील कर दिया गया था। और अब जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके बाद एक बार फिर सवाल खड़े होने लग गए हैं कि आखिरकार आरुषि को किसने मारा और क्यों मारा। ये सवाल अब भी बरकरार है क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब तलवार दंपति को राहत दे दी है, बरी कर दी है, तो ये सवाल फिर एक बार उठने लगा है कि आरुषि को आखिर किसने मारा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़ नोएडा।